हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द विनिंग एज यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया है और आप सभी सोच रहे हैं अब क्या करना है। तो आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं और हम आज सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको इसके बाद क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आपका जो मिनिमम मार्क्स हैं क्लियरेंस के, वो आपको जानने बहुत जरूरी है। जनरल के 135 होने चाहिए, ओबीसी और एसटी और एससी के 120 होने चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप है तो 105। देखो, अलग अलग जो है आपकी कट ऑफ्स आएंगी आई हैं मतलब, और इसके अकॉर्डिंग ये जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब एटलीस्ट इतने होने चाहिए तब आप क्वालिफाई करोगे, और अगर एटलीस्ट इतने नहीं है तो आप शायद क्वालिफाई ही ना कर पाओ। तो ये बात आपको याद रखनी है, एटलीस्ट इतने मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन 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 अब ऐसा नहीं है कि आपके इससे ज्यादा, मान लो आपके 121 है और आपने बोर्ड ऑफ बिस्तरा बांध रखा और कल सैनिक स्कूल के गेट पे पहुंच गए, ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, अब देखो ये एनटीए के मार्क्स थे, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है ये मार्क्स दिए हुए। अब जो मार्क्स जो काउंट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, ठीक है, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कितने वैकेंसीज है, तो अराउंड 70-80 वैकेंसीज है। तो इसके तीन गुना मतलब अराउंड 240 स्टूडेंट्स, वो एक मेरिट लगाएगा इन 240 स्टूडेंट्स की। वो डिपेंड करता है आपके आपके कैटेगरी वाइज 240 स्टूडेंट्स की मेरिट लगेगी, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि अब आप बोलोगे कि सर 240 जनरल नहीं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वो स्कूल का रहता है, उस हिसाब से ये मेरिट लगेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरी चीज, आपको 67-33% ये जानना बहुत जरूरी है। जो 67% है ये होता है सेम स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उत्तराखंड का हूँ और उत्तराखंड में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, तो मेन जो है मेरे को, मेरे जो वैकेंसीज हैं या फिर मेरी जो सीट्स हैं वो 67% रिजर्व्ड है मेरे लिए। बट अगर मैं हूँ जम्मू एंड कश्मीर का और मैं अप्लाई कर रहा हूँ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए, तो मेरा सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो ये पूरी एनालॉजी होती है। और After, अच्छा अब आप बोलोगे सर ये जो मार्क्स हैं या ये मेरा नाम आया है ये मैं कहाँ पे चेक करूं। देखो, पहला तो आपको SMS आ जाएगा, ठीक है। SMS नहीं आता है तो मेल आ जाएगा, मेल नहीं आता तो वो कॉल करेंगे। इन तीनों में से एक चीज वो कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। फिर ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें आपका जो नाम आ चुका है, ये मेरिट लिस्ट आएगी कब, आज से एग्जैक्टली 1 वीक या फिर 1.5 वीक्स बाद। मतलब 1.5 वीक्स का मतलब ये होता है एक हफ्ते बाद, यानी 6 डेज के बाद या 6-10 डेज के बीच में आएगी ये मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका, आप क्वालिफाई कर पाए हो या क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। आई होप यहां तक का आपको चीजें क्लियर हो रही है। अब देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके 200 मार्क्स है, वो डिपेंड भी करता है, 200 मार्क्स है आपके और आपने अप्लाई करा हुआ है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए, ठीक है, तो हो सकता है आपके चांसेस हो जाए, ठीक है। और या फिर अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं, मान लो आपके 150 मार्क्स हैं और आपने अप्लाई करा है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आप तो भूल जाइए कि आपकी इतनी कम कट ऑफ जाएगी, इतनी कम यूजुअली कट ऑफ नहीं जाती है। दूसरी चीज अगर आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए ना अप्लाई करके यही 150 मार्क्स हैं आपके और लेकिन आपने पुरोला के लिए अप्लाई करा है या फिर और कोई स्कूल है जो अभी नया नए खुले हैं उनके लिए अप्लाई करा है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं होता आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपका चूजिंग ऑफ स्कूल क्या है वो भी आपका बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होता है, ठीक है। ये दूसरी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। तो 2-3 चीजें मैंने आपको क्लियर ऑलरेडी कर चुका हूं। अब जो अगला है, अच्छा उसके बाद मान लो तुम्हारा मेरिट में नाम आ गया, अब क्या करना है। मेरिट में नाम आ गया है तो आपको सबसे पहले तो कहाँ जाना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको कौन से एमएच में रेफर करा गया है, ठीक है। उस एमएच से आपकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट स्कूल को ट्रांसफर हो जाएगी और उसके बाद जो है एक फाइनल मेरिट बनेगी। ये फाइनल मेरिट बनेगी उन 70 स्टूडेंट्स की, जितने भी जो 70 स्टूडेंट्स हैं उन सबकी एक फाइनल मेरिट बनेगी और इसी मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो एडमिशन होगा। 71 स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा अगर वैकेंसी सिर्फ 70 ही है। आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर हो रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप मेडिकल टेस्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा अब उसके बाद मैंने आपको फाइनल मेरिट का भी ऑलरेडी बता दिया। फाइनल मेरिट के लिए आपको कैसे इंतजार करना है वो सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आई होप यहां तक आपको चीजें
फुल एंड क्लियर होंगी। अब देखो आप बोलोगे सर ये सारा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा या कितने दिनों के बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो लास्ट मार्च के लास्ट तक का आपका ये सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और 1 अप्रैल से माइट भी नया सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं और या फिर आप इस साल भी अगर आप डेडिकेटेड करना चाहते हैं, डेडिकेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें, हो सकता है आपके 125 मार्क्स हो, है ना, 125 इस साल आ गए लेकिन आप अगले साल के लिए भी एलिजिबल हैं, तो प्लीज आप लोग हमसे कांटेक्ट करें क्योंकि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, इससे अगर आप थोड़ा सा अगर हमारा गाइडेंस मिलेगा तो आप शायद 225 तक का भी क्रॉस कर जाएंगे और इसके बाद तो आप इजिली किसी भी स्कूल में एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। और आई होप यहाँ आपको मेरा भी ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और अगर आप हमें और हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन दीज नंबर। टेक केयर।